साल 1972 ओलंपिक जर्मनी के म्यूनिख शहर में होने जा रहा था। दुनिया के कई देश के खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा लेने आए थे और 1972 से ठीक 24 साल पहले बना एक देश इजराइल भी इस ओलंपिक में हिस्सा लेने आया और खेल शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका था। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे अजीबोगरीब होने वाला है जो खेलों के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। तारीख थी 5 सितंबर 1972। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 5 अजनबी दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां कनाडा के कुछ खिलाड़ी पहुंच गए। दीवार फांदने वाले अजनबी सहम गए। कनाडा के खिलाड़ियों ने उन्हें किसी दूसरे देश का खिलाड़ी समझा और दीवार फांदने में उनकी मदद की। दीवार पार कराने के बाद कनाडा के खिलाड़ी अपने रास्ते निकल गए और दूसरे तरफ ट्रैक सूट पहने अजनबी उस इमारत के अंदर पहुंच गए जहां इजरायली खिलाड़ियों को ठहराया गया था। इस इमारत में दाखिल होते ही असली चेहरा सामने आया। ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि पीएलओ के आतंकवादी थे। पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जिस अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की उसमें रह रहे पहलवान यूसुफ गटफ्रेंड अभी जाग रहे थे। शोर सुनकर वह दरवाजे तक पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गटफ्रेंड ने शोर मचाकर अपने बाकी साथी को भी सचेत कर दिया। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ खिलाड़ी भागने की कोशिश करने लगे लेकिन रेसलिंग कोच मोसे विनबर्ग दौड़कर किचन में घुस गए और मुकाबला करने के लिए चाकू उठा लिया। अगले ही पल एक आतंकी की बंदूक चली और मोसे के गालों को आर पार कर गई। इसके बाद आतंकियों ने हॉस्टल के अंदर एक एक कमरे की तलाशी ली और खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। गोलीबारी के बीच कुछ खुशकिस्मत खिलाड़ी भागने में सक्षम रहे लेकिन कुछ बदकिस्मत भी थे जिन्होंने पूरे हिम्मत से आतंकियों का मुकाबला किया पर आतंकियों की गोली से वो नहीं जीत सके। अगले दिन ये खबर सनसनी बनकर पूरी दुनिया में फैल गई कि 5 आतंकियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। अब तक बाहर वाले को ये पता नहीं था कि 2 खिलाड़ी पहले ही मारे जा चुके हैं। आतंकियों ने मांग रखी कि इजरायल की जेल में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया जाए लेकिन इसराइल ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि आतंकियों की कोई भी बात मानी नहीं जाएगी। इसके बाद आतंकियों ने 2 खिलाड़ियों का शव हॉस्टल के खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो ये संदेशा देना चाहते थे कि यही हाल बाकी खिलाड़ियों का भी होगा लेकिन इसराइल का इरादा नहीं बदला। इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने सख्त तेवर दिखाते हुए ये बात कही। लोगों को लग रहा था इसराइल ने अपने खिलाड़ियों को आतंकियों के भरोसे छोड़ दिया है लेकिन हकीकत ये नहीं थी। इसराइल जर्मनी को इस बात के लिए राजी करने में जुट गया था कि इसराइल अपने स्पेशल फोर्सेस को वहां भेज सके लेकिन जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पूरी दुनिया की नज़र इसराइल पर टिकी हुई थी। लोग सांसें थामे इंतजार कर रहे थे कि इसराइल के खिलाड़ियों का क्या होगा। इसी बीच आतंकियों ने एक नई मांग रखी और ये जर्मन सरकार ने वो मांग मान भी ली। आतंकियों ने मांग रखी कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए और वो बंधक इजरायली खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जर्मन सरकार की रणनीति थी कि इसी बहाने आतंकी बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट पर आतंकियों को निशाना बनाना आसान होगा। प्लान के मुताबिक आतंकियों को बस मुहैया कराया गया जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले गई। एयरपोर्ट के अंधेरे में जगह जगह पर शार्प शूटर को तैनात कर दिया गया था। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर इसी मंजर को लाइव देख रहा था। खिलाड़ियों को बस से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। इसके कुछ ही सेकेंड्स बाद शार्प शूटरों ने आतंकवादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख आतंकियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोली बरसाने शुरू कर दी। एक हेलीकॉप्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया और फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही मिनटों में एयरबेस पर मौजूद हर एक आतंकी मारा गया। साथ ही इसराइल के 9 खिलाड़ी भी आतंकवादियों के गोलियों का शिकार हो गए। शुरू में टीवी के जरिए ये खबर फैलाई गई कि सिर्फ आतंकी मारे गए हैं। अभी 9 खिलाड़ी सुरक्षित हैं और जीवित हैं पर अगली सुबह साफ हो गया इजराइल का कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बच पाया। इस हादसे के बाद शुरू हुआ इजराइल का बदला। बदला भी ऐसा कि आतंकी हमले को अंजाम देने वाला को चुन चुनकर इजराइल की खुफिया एजेंसी द्वारा मारा जाना था। इसके बाद इतिहास के पन्नों में मोसाद का यह बदला को सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। इस बदले के लिए मोसाद ने जो किया वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। इस बदले को लेकर शुरू हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर।
उस समय इसराइल में प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। गोल्डा ने इस कत्लेआम का बदला लेने का ठान ली थी। गोल्डा ने इसराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मीटिंग की और बदले का मिशन शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा किलिंग ऑपरेशन। मोसाद ने इन सभी संभावित लोगों की सूची बनाई जो ब्लैक सेप्टेम्बर ग्रुप से जुड़े थे। ब्लैक सेप्टेम्बर वही ग्रुप था जो आतंकवादियों ने 11 खिलाड़ियों पर हमला किया था। इसके बाद मोसाद के ऐसे एजेंट्स को तलाशे गए जो गुमनाम रहकर रैथ ऑफ गॉड को अंजाम दे सके। इन एजेंट्स को कहा गया उन्हें सालों तक अपने परिवार से दूर रहना होगा। वो अपने मिशन के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बता सकते और सबसे बड़ी बात, पकड़े जाने पर इसराइल उसे पहचानने से भी मना कर देगा। यानी बिना किसी पहचान, बिना किसी मदद के उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। सभी तैयारी के बाद शुरू हुआ ये मिशन रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। इस मिशन की ये खासियत थी कि दुनिया को इस मिशन की कोई भनक तक नहीं थी। अभी महीना ही बीता था और मोसाद का पहला टारगेट बना वेल ज्वेटर, जो कि इटली के कैपिटल रोम में रह रहा था। मोसाद ने ज्वेटर को 11 गोलियां मारकर सनसनी फैला दी। 11 गोलियां इसलिए क्योंकि म्यूनिक में इसराइल के कुल 11 खिलाड़ियों को मारा गया था। अब मोसाद का दूसरा टारगेट था महमूद हमसारी, जो कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस में रह रहा था। कड़ी निगरानी के बाद मोसाद की स्पेशल टीम ने हमसारी के घर में जाकर उसके टेलीफोन में बम लगाकर उसे मारने की ठानी और कुछ ही पल बाद मोसाद इस मिशन में सफल भी हो गया। अब पूरे यूरोप में सनसनी मच चुकी थी पर किसी को भी इसराइल पर शक तक नहीं था। अब बारी थी अगले निशाने की। यहाँ भी मोसाद ने ब्लैक सेप्टेम्बर से संबंध रखने के शक में एक शख्स की दिन रात निगरानी की, हुसैन अलबसीर। हुसैन अलबसीर निकोसिया के एक होटल में रहता था और होटल में वो सिर्फ रात में आता था और दिन शुरू होते ही वो निकल जाता था। मोसाद की टीम ने उसे मारने का एक अनोखा प्लान बनाया जिसमें उसके बिस्तर के नीचे बॉम्ब लगाया गया। बॉम्ब लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये काम तो आसानी से हो गया। मुश्किल ये था कि पता कैसे लगाया जाए कि वो हुसैन अलबसीर बिस्तर पर है। इसके लिए मोसाद के एक एजेंट ने बसीर के ठीक बगल वाला कमरा किराया पर ले लिया और वहाँ के बालकनी से बसीर के कमरे में देखा जा सकता था। रात में बसीर जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए गया, एक धमाके के साथ उसका पूरा कमरा उड़ गया। इसराइल का मानना था वो ब्लैक सेप्टेम्बर का प्रमुख था। फिलिस्तीनी आतंकवादियों को बंदूक मुहैया कराने के शक में बेरूत के प्रोफेसर बसीर अल कुबेसी को भी मोसाद के दो एजेंट्स द्वारा मार दिया गया। उसे भी कुल 12 गोलियां मारी गई, 11 खिलाड़ियों के द्वारा और एक इसराइल की तरफ से। मोसाद के लिस्ट में शामिल चौथा टारगेट लेबनान में भारी सुरक्षा के बीच रह रहा था और अभी तक की हत्याओं के तरीकों से उस तक पहुंचना नामुमकिन था। इसके लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। ये ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड का ही एक हिस्सा था। 9 अप्रैल 1973 को इसराइल के कुछ कमांडो लेबनान के समुद्री किनारे पर स्पीड बोट के जरिए पहुंचे। इन कमांडोज को मोसाद एजेंट्स ने कार से टारगेट के करीब पहुंचाया। पूरी तैयारी के साथ मोसाद के टीम ने इमारत पर हमला कर दिया। इस हमले के फौरन बाद 3 हमले और किए गए। इसमें शायद जायद मोसिद को एथेंस के एक होटल में बॉम्ब से उड़ा दिया गया। मोसाद के एजेंट्स दुनिया में घूम घूम कर म्यूनिक कत्लेआम के गुनहगारों को मौत बांट रहे थे। लेकिन क्या इसराइल के बदले की कहानी थम गई? बदले की आग में धधक रहे इसराइल के सीक्रेट एजेंसी मोसाद का खूनी खेल अभी थमा नहीं था, क्योंकि उनके हेड लिस्ट में और लोगों का नाम शुमार था। मोसाद ने चुन चुन कर म्यूनिक हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। अब अगला नाम था अली हसन सलामे, जो म्यूनिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। इसे इसराइल ने रेड प्रिंस नाम दिया। इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।